और लोकप्रिय सांसद श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री और लखनऊ के प्रभारी श्री सुरेश खन्ना जी, माननीय सांसद अशोक वाजपेयी जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, प्रदेश महामंत्री श्री सुभाष यदुवंश जी, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, कार्यक्रम के सभी आयोजक गण, लाभार्थी गण और उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आप सब की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, विकसित भारत ये एक संकल्प है और संकल्प वही होना चाहिए जिसको हम शुद्ध अंतःकरण से जमीनी धरातल पर उतार सके। हम सब अपने घरों में कोई अनुष्ठान करते हैं तो अनुष्ठान के पहले एक संकल्प लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि उसके अनुरूप हम बने और उसके अनुरूप बनने के लिए हमें उसके अनुरूप आचरण करना पड़ता है। हमारा देश विकसित भारत कैसे बने और इस संकल्प किस बात को लेकर? इस बात का संकल्प है जिससे हर भारतवासी के चेहरे पर खुशहाली हो, सुख और समृद्धि आए, कहीं विपन्नता ना हो, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दुख और दरिद्रता का कोई अंश ना हो। और इसके लिए प्रधानमंत्री ने पंच प्रण की बात की, हर भारतवासी को अमृत काल में इन पंच प्रणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। पहला, आत्मनिर्भरता के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को अपने जीवन का ध्येय बनाना, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना और विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, देश की एकता अखंडता के लिए कार्य करना और सैनिकों का सम्मान करना, और अंत में एक नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र का है वह अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करता है तो इसका मतलब वह अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है। और भाइयों बहनों, ये पंच प्रण विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हैं। विकसित भारत जो वास्तव में हर चेहरे पर बिना भेदभाव के खुशहाली लाने की ओर हमें अग्रसर करता है, इसीलिए लोक कल्याणकारी योजनाएं। अब याद करिए, देश 1947 में आजाद हुआ, 1947 से लेके 2017 तक इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कभी इतने आवास नहीं मिले, यानी 70 वर्षों में जितने आवास नहीं मिले उससे कई गुना आवास हमने, डबल इंजन की सरकार थी, मात्र 6.5 वर्ष में 55 लाख से अधिक परिवारों को एक एक आवास दे दिया। 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जितने गरीब परिवारों को शौचालय नहीं मिले होंगे, हमने मात्र 6.5 वर्ष में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 करोड़ गरीब परिवारों के घर में एक एक शौचालय प्रदेश के अंदर बना दिए। मैं ये प्रदेश की बात कर रहा हूं, देश के आंकड़े तो इससे 5 गुना ज्यादा है। पहले गरीबों के राशन को माफिया हड़प जाते थे, गरीब को मिलता ही नहीं था। पिछले 3.5 वर्ष से
उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का प्राप्त लाभ प्राप्त कर रहा है और मोदी गारंटी ने तय कर लिया है कि अगले 5 वर्ष तक फ्री में राशन हर गरीब परिवार में 15 करोड़ लोगों को प्रदेश में प्राप्त होगा। पहले किसी भी गरीब को स्वास्थ्य बीमा का कोई कवर नहीं था, आज सौभाग्य से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिनके नेतृत्व में योजना बनी, वही नड्डा जी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के यहाँ आए। आयुष्मान भारत की योजना, प्रदेश में 10 करोड़ लोग सीधे सीधे इसका लाभ ले रहे हैं। भैया बहनों, पीएम विश्वकर्मा हो, पीएम स्वनिधि योजना हो, स्ट्रीट वेंडर के लिए, गांव में निवास करने वालों लोगों के लिए पीएम स्वामित्व की योजना हो, या फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना हो, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो बिना भेदभाव के हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करके गरीबी रेखा के नीचे से जीवन यापन करने वाले लोगों के स्तर को उठाने का एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुआ है। और इसलिए दुनिया आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर और उनके नेतृत्व में हुए परिवर्तन को देख करके आश्चर्यचकित है। और उस अभियान के तहत पिछले 9.5 वर्ष में जो हुआ, उन लोगों से संवाद बनाना, उनकी सफलतम कहानी को कहना, क्योंकि अगर एक व्यक्ति जो पहले से सुख सुविधा से संपन्न है वह व्यक्ति बोले कि साहब ये होना चाहिए तो कोई लोग विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अगर एक गरीब जिसके पास आवास नहीं था, राशन कार्ड नहीं था, आयुष्मान का कार्ड नहीं था, पीएम स्वनिधि की योजना नहीं थी, पीएम स्वामित्व की या किसी भी योजना से लाभान्वित नहीं था, और अगर उसको इन योजनाओं से लाभान्वित, उज्ज्वला योजना से भी उसको लाभान्वित कर दिया, आवास योजना से लाभान्वित कर दिया, उसे शौचालय भी मिल गया, उसे तमाम अन्य योजनाएं मिल गई, और वह पंच से कहता है साहब बिना पैसे के मुझे सभी योजनाओं का लाभ मिला है, तो जिनको नहीं मिला होगा उसको भी एक विश्वास होगा कि हाँ मेरा भी नंबर आएगा, मुझे भी जरूर मिलेगा। और भाइयों बहनों, इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 नवंबर को इस यात्रा को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर उनकी पावन जन्मभूमि से विकसित भारत संकल्प यात्रा को आगे बढ़ाया था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में 536 ऐसी वीडियो बैन, 1072 कार्यक्रम प्रतिदिन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ रही है। और उसी क्रम की श्रृंखला में आज भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी लखनऊ, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर हम सब विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा करके 100% सिचुएशन, जो जरूरतमंद है उसको हम शासन की योजना को हर हाल में उपलब्ध करवाएंगे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सुबह कुष्ठ रोगियों के आश्रम में जाकर के स्वयं अपनी आंखों से देखा, हर कुष्ठ रोगी को आवास मिला है, हर कुष्ठ रोगी को 3000 रुपये महीने की पेंशन मिलती है, हर कुष्ठ रोगी के पास राशन कार्ड है, हर कुष्ठ रोगी के पास उज्ज्वला योजना का कार्ड है, हर कुष्ठ रोगी के पास आयुष्मान भारत का कार्ड भी है, हर कुष्ठ रोगी के पास शासन की 100% सिचुएशन की सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। और इस सुविधा को न केवल हमने जनजातीय समुदाय को, मुसहर को, सहरिया को, थारू को, बंटांगिया को, बुक्सा को, चेरो, कोल, इन सभी जातियों के साथ साथ हर प्रदेशवासी को, गरीब, वंचित, दलित, किसी भी जाति का व्यक्ति है, उन सब तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आज देश में चल रही है, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में चल रही है। 26 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस यात्रा में आज भाग लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, यात्रा के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।